हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अब हम सबको चाहिए ग्लोइंग स्किन, बिना मेकअप को यूज किए हुए, बिना कोई फिल्टर को यूज किए हुए। लेकिन गाइस, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा हो चुका है कि हमारा सोने का, उठने का, खाने का, पीने का कोई भी चीज है ना, डिसिप्लिन तरीके से नहीं है। इवेंचुअली क्या होता है ना, हमारी स्किन को वो सब कुछ झेलना पड़ता है, ब्रेकआउट हो जाता है, एक्ने हो जाते हैं, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, या फिर क्या होता है ना कि आपकी डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं, क्लॉग्ड पोर्स हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो? मतलब न चाहते हुए भी हमको कुछ ना कुछ ना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा महंगे वाले जो प्रोफेशनली जो पीलिंग ट्रीटमेंट्स नहीं होते वो लेने लग जाते हैं, या फिर फेशियल्स करवाते हो आप, क्लीन अप करवाते हो अपना बाहर जाके। एक तो वो बहुत ही ज्यादा ही तो खर्चे वाला काम होता है, दूसरा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लस आपको उनके यू नो टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा हेक्टिक चला जाता है। या फिर आप क्या करते हो कि लंबे चौड़े स्किन केयर रेजिमिन को अपना फॉलो करते हो, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, सोने समय भी, तो बहुत ही ना एवरीथिंग लाइक डस टेक टाइम। लेकिन ना गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। हफ्ते में सिर्फ आपको 10 मिनट्स अपने देने हैं, दैट्स इट गाइस। केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा क्योंकि आजकल हर एक यूट्यूबर, हर एक इन्फ्लुएंसर केमिकल एक्सफोलिएशन को बहुत ही ज्यादा यू नो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड बार बार डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में स्किन के ऊपर काम करता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ एज सच इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स कभी भी शेयर नहीं किए। बट अब मुझे लग रहा था कि आई वॉन्ट टू ट्राई केमिकल एक्सफोलिएशन, लेकिन ना प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए एंड ट्रस्ट वर्दी ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। तो गाइज, मैंने अभी ट्राई किया था रिसेंटली द डर्माकोज 15% AHA प्लस 1% BHA बिगनर पीलिंग फेस सोल्यूशन। हाँ जी, ये बिगनर वाला पीलिंग फेस सोल्यूशन है, तो एकदम मेरे को यू नो टेंशन नहीं हो रही थी कि मैं इसको जरूर ट्राई करूं एंड आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। गाइस, ये है डर्माकोज 15% AHA प्लस 1% BHA बिगनर फेस पीलिंग सोल्यूशन। इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ AHA, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जो इफेक्टिवली रिमूव करेगा आपके डेड स्किन सेल्स को, रिवील करेगा फ्रेश, ब्राइट एंड यूथफुल लुकिंग स्किन को, ये फाइट करेगा एक्ने के अगेंस्ट और मिनिमाइज करेगा आपके पोर्स को। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है विच इज अ फॉर्म ऑफ BHA, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये क्या करेगा, आपके पोर्स के अंदर जाएगा, उसको अच्छी तरह से क्लीन करेगा, क्लियर करेगा सीबम को। ये मेनली टारगेट करता है आपके इनलास्ट पोर्स को। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी है, एकदम क्लीन होना चाहिए आपका फेस और एकदम ड्राई होना चाहिए। अपने आई एरिया को और अपने लिप्स एरिया को आपने अवॉइड करना है एंड आपने हफ्ते में इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। एक हफ्ते में सिर्फ आपको 10 मिनट देने हैं। जब आप अप्लाई करोगे ना, हल्का सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी वार्म या फिर टिंगलिंग सेंसेशन है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ना, फाइट करेगा डलनेस के अगेंस्ट, अनइवन स्किन टोन के अगेंस्ट एंड लार्ज पोर्स और ब्लेमिशेस के ऊपर टारगेट करेगा आपको, जिससे ना नेचुरल ग्लो मिलेगा, फिल्टर फ्री फोटोज आप यूज कर पाओगे। पैकेजिंग इज वेरी कन्वीनियंट, आपको ड्रॉपर इसी के साथ इनबिल्ट मिलता है, तो आप यू नो ड्रॉप बाई ड्रॉप आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, मैं आपको वीडियो में अभी करके दिखा रही हूँ। आप इसको इवनिंग में आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप दिन में यूज़ करोगे फिर बाद में हो सकता है आप धूप वगैरह में जाओ, तो इसको यूज़ करने के बाद आपके फेस के ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए एंड 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना अपने फेस पे। 10 मिनट्स हो गए, मैंने इसको अपने फेस के ऊपर रखा हुआ था। 10 मिनट्स के बाद मैं जस्ट इसको नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ, मतलब कोल्ड वाटर के साथ इसको वॉश कर लूँगी, रिंस कर लूँगी। फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र ना जो नॉर्मल वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं, उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। अवॉइड करो आप सन एक्सपोजर में जाना अगले 24 आवर्स तक एंड 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको माइल्ड एक्सफोलिएशन होगी, पीलिंग होगी, जिससे आपकी स्किन और ज्यादा क्लियर और रेडिएंट दिखेगी। इसको यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। एंड गाइस, जब भी आप इसको यूज करने के बाद धूप में जाओ ना, तो मेक श्योर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज करो। गाइज, डेफिनेटली आपको केमिकल एक्सफोलिएंट जरूर ट्राई करने चाहिए, एक्चुअल में काम करते हैं। मैंने इनको ट्राई करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी डर्मा कोका 15% EHA प्लस 1% BHA बिगनर पीलिंग सोल्यूशन, क्योंकि ना गाइज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, बिगनर हो तो आप इसको ट्राई करो, सेफ है प्रोडक्ट एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। ये जो द डर्मा को ब्रांड है ना गाइज, ये डर्माटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंड किया गया है, उनके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो आपको जो ट्राई करना चाहिए। अच्छा, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो ना तो मेरा वाला कूपन कोड आप जरूर यूज कर लेना, Swati20, आपको 20% का ऑफ मिलेगा। मेरा जो कूपन कोड है ना गाइज, वो सिर्फ डर्माको की वेबसाइट पे चलेगा और आपका कहीं नहीं चलेगा। एंड जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो जो कूपन कोड लगाते हो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कॉम्बोज के ऊपर अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि यार कॉम्बोज में जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड ही होते हैं। बाय द वे, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, नायका पे, कहीं पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू। अगर आप प्रोडक्ट को बाय करते हो, ट्राई करते हो, इसका आपको रिजल्ट कैसा लगता है प्लीज आप मेरे साथ जरूर शेयर करना, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना। टिल देन बाय बाय, लव यू।